एसपी सिटी सोनम कुमार के नेतृत्व में कैंट पुलिस ने चेतना तिराहे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए महानगर में अलग अलग जगहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि महानगर के सभी सीओ को चेकिंग प्वाइंट पर लगाया गया है, वह लोग वाहनों का गहनता से जाँच कर रहे हैं। जो लोग अनावश्यक निकल रहे हैं उनकी गाड़ियों का चालान तथा सीज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो लोग लॉकडाउन में दुकान खोल रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इस अवसर पर एएसपी सीओ कैंट आईपीएस राहुल भाटी, जटेपुर चौकी प्रभारी इत्यानंद पांडे सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, देखिए चेकिंग अभियान चला रहे हैं हम। कल स्वयं एसएसपी महोदय सड़कों पे निकले थे, उन्होंने काफ़ी चलान किए थे, गाड़ियां सीज की थी, उसी तर्ज पे हमें निर्देशित किया गया। हम आज उसी को कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, अलग अलग जगह पे चेकिंग कर रहे हैं। जो भी सीओज थे जो कि फील्ड में नहीं थे उनको फील्ड में उतारा जा रहा है। जो फील्ड के सीओ थे वो तो है ही, इसके साथ साथ सीओ ऑफिस, सीओ क्राइम और सीओ ट्रैफिक, इन लोगों को भी अलग अलग ड्यूटी पॉइंट पर लगा दिया गया है और हर जगह वो उसी तर्ज पर चेकिंग कर रहे हैं जिस पर एसएसपी महोदय ने कल की। जो अनावश्यक निकल रहे हैं उन पर बहुत ही सख्त कार्रवाई की जा रही, गाड़ियाँ सीज हो रही हैं, उनका चलान हो रहा है,
और अगर कोई दुकान खोल रहा है बिना मतलब के उस पर 188 का मुकदमा भी कराया जा रहा है।